नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। बिहार के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ गई है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार शुरू से ही विवादों में घिरी हुई है। शिक्षा मंत्री के तौर पर चार्ज एज्यूम करने के 2 घंटे के अंदर मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार एक जमाने में बोलते थे कि उनकी सरकार में 3 चीजें या 3 C's कभी भी नहीं रहेंगी, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म। हमने अपने पिछले एपिसोड में डेटा के आधार पर बताया था बिहार में क्राइम रेट नीतीश कुमार के कार्यकाल में सो कॉल्ड जंगल राज से कहीं ज्यादा है। अब आगे क्राइम कितना कंट्रोल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो सी हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कैरेक्टर को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है एज फार एज कीपिंग कम्युनलिज्म आउट ऑफ हिज गवर्नमेंट, नीतीश कुमार हैज इंडीड मेड अ वेरी डिस्करेजिंग बिगिनिंग। इट इज अ साइन ऑफ द बीजेपीआइजेशन ऑफ द जेडीयू दैट देयर इज नॉट अ सिंगल मुस्लिम मिनिस्टर in his government. In fact, the entire NDA legislature party, there is not a single Muslim member. BJP ke 12 crore log mein se lagbhag 16.5% Muslim hain. JDU ne 11 Muslim candidate khade kiye the, parantu ve sab haar gaye. Is baar ke Vidhan Sabha mein कुल 19 मुस्लिम मेंबर्स हैं, आरजेडी के 8, कांग्रेस के 4, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम के 5 और वामपंथ और बीएसपी के 1-1। पिछले विधानसभा में इससे थोड़ा ज्यादा 24 मुस्लिम मेंबर थे। ये नंबर प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन करता आया है ओवर द इयर्स। हिंदुस्तान में पब्लिक सर्विसेज टाइम पर अवेल करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होती है। सब जानते हैं कि आपको अगर पुलिस स्टेशन में जाकर कोई कंप्लेंट लिखवानी है या फिर अपना लेजिटिमेट नौकरी का ट्रांसफर करवाना है या फिर जो आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है एक हॉस्पिटल में बेड या फिर टाइमली ट्रीटमेंट पाना, उस सब के लिए आपको कांटेक्ट या अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की मदद की जरूरत होती है। अपने कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के एब्सेंस में इन पब्लिक सर्विसेज को अवेल करने का रास्ता बंद हो जाता है। साथ ही इंडियन डेमोक्रेसी भी नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है। सपोर्टर्स ऑफ द बीजेपी Do not shy from using the majoritarian vocabulary. हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में कितने हिंदू सरकार में हैं? जरा बताइए तो। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, जिस रास्ते को पाकिस्तान या बाकी रिलीजन या जो बाकी देश जो धर्म के आधार पर गठित हैं, वो रास्ता हिंदुस्तान के फाउंडिंग फादर्स ने नहीं चुना था अपने लिए। पाकिस्तान की कवि फहमीदा रियाज ने कई साल पहले लिखा था, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। अब तक कहां छुपे थे भाई वह मूर्खता वे घामड़पन जिसमें हमने सदी बिताई, आखिर पहुंचा तुम्हारे द्वार। अरे बधाई, बहुत बहुत बधाई, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट
disenfranchisement of Muslims started in 2014 when the BJP did not have a single Muslim member in Lok Sabha. The percentage of Muslims elected representatives has never matched their population since independence. 1952 में पहले लोकसभा में मात्र 11 मुस्लिम मेंबर थे. एक पल के लिए हम मान लेते हैं that this was because of the turbulence after partition and because of the sudden decline in the Muslim population because of Pakistan, many people went away from here. लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन इंप्रूव नहीं की. 1957 में 19, 1962 में 20 और 1967 में 25. Although elected Muslim members did not match the community's population, but the silver lining was that the graph still kept rising. Finally, the high point was reached in 1980 when there was a total of 49 Muslim members in the Lok Sabha. लेकिन शुरुआत से ही मुस्लिम लीडर्स को सिर्फ उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉमिनेट किया जाता था पार्टीज द्वारा जहां मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट होता था. यह प्रैक्टिस कांग्रेस ने भी अपनाई. अब देखिए 1952 की ही बात देखिए, जब कांग्रेस को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के लिए कोई सीट ढूंढना था तो उन्होंने उनको रामपुर उत्तर प्रदेश से लड़ने को कहा क्योंकि वहां मुसलमान काफी मात्रा में थे. 1980 के बाद लेकिन ग्राफ नीचे खिसकता गया. 1980 और 2014 के बीच में द नंबर ऑफ मुस्लिम एमपीज इन द लोअर हाउस डिमिनिश्ड बाय मोर देन हाफ. ये वही पीरियड है जब भारतीय जनसंख्या में मुसलमानों का शेयर बढ़ा. ये वही पीरियड है जब मुस्लिम्स के डेमोग्राफिक ग्रोथ को डेमोनाइज किया गया बाय द फोर्सेस ऑफ हिंदुत्व. मेजॉरिटेरियन नैरेटिव में इस डेवलपमेंट को ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बताया गया. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, 3 जम्मू कश्मीर से और 1 पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप से. चुनाव के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में बंगाल के बिष्णुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड सौमित्र खान को लोन फेस ऑफ बीजेपी इन लोकसभा कहा गया था, परंतु यह तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड या फिर आरक्षित सीट था. सो हाउ कैन ही बी अ मुस्लिम. 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ था तब अटल बिहारी वाजपेयी के इनिशिएटिव पर नए पार्टी को उसके जनसंघ रूट्स और आरएसएस कनेक्शन से दूर रखा गया था. गांधीयन सोशलिज्म को फिलॉसफी के तौर पर प्रेजेंट किया गया था. ये बात अलग है कि उसमें गांधीयन और सोशलिज्म कितना था सबको पता है. 1986 में बीजेपी के लीडरशिप में परिवर्तन हुआ. वाजपेयी के जगह लाल कृष्ण अडवाणी ने बागडोर संभाली. साथ ही पार्टी अपने पुराने आइडियोलॉजी पर लौट गई. उसी पीरियड में अयोध्या आंदोलन की नींव रखी गई. तेजी से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के प्रोग्राम्स को लॉन्च कर विश्व हिंदू परिषद ने डोमिनेटिंग प्रेजेंस इंडियन पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश कर लिया. हिंदुस्तान के राजनीति में जिस तरह से आजादी की लड़ाई के लेगेसी को ठुकराना नामुमकिन है, उसी तरह से इट इज इम्पॉसिबल टू रिजेक्ट द नोशन एंड द वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म. हिंदुस्तान की राजनीति में सेक्युलरिज्म वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है. इसीलिए बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया, वी टू आर कमिटेड टू सेक्युलरिज्म बट जेन्युइन सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बट अपीजमेंट ऑफ नन. बीजेपी के राइज में अगर कोई एक शब्द ने सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है तो वो है अपीजमेंट. इसका इन्होंने हर कदम पर इस्तेमाल किया. द
पार्टी का आर्ग्यूमेंट रहा है कि हर पार्टी ने मुस्लिम्स को वू किया है, उनको फेवर करती है, और एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हिंदू हितों की भी बात करे। लेकिन इस बात को वो लोग डायरेक्टली अपने वर्ड्स में नहीं कह सकते हैं, इसीलिए एक्शंस में कहा जाता है या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। मुस्लिम डिसएनफ्रेंचाइजमेंट भी इसी पर्पस से परस्यू किया जा रहा है। रिवर्स पोलराइजेशन के मेथड को यूज करके बीजेपी ने अपने समर्थन में ऑल इनकम्पासिंग हिंदू यूनिटी या फिर एक वोट बैंक को कंसोलिडेट किया है अपने पीछे। धीरे धीरे इसको उन्होंने बिल्डअप किया है और 2014 आते तक बीजेपी ने मुस्लिम वोट को टोटली इरेलेवेंट बना दिया था। प्रख्यात समाज शास्त्री क्रिस्टोफ जेफ्रिलॉ ने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, द फॉर्मेशन ऑफ अ हिंदू वोट बैंक बाई द बीजेपी विच इन पर्टिकुलर एम टू साइडलाइन माइनॉरिटीज इन द पोलिटिकल एरिना प्रॉम्प्टेड अदर पार्टीज एज वेल नो लॉन्गर टू नॉमिनेट मुस्लिम कैंडिडेट्स एस्पेशली इन एरियाज विद अ हाई मुस्लिम मेजोरिटी। दिस टैक्टिक वॉज एस्पेशली क्लियर इन द केस ऑफ द कांग्रेस विच द बीजेपी एक्यूज ऑफ कल्टिवेटिंग अ मुस्लिम वोट बैंक by showing concern for the social and economic condition, a false claim if one goes by the impoverishment of Muslims during the UPA regime. पिछले पीरियड में भी 1950 से कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही है, मुस्लिम्स का कोई बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो अपीजमेंट या प्रमोशन कहां से हुआ? जो प्रैक्टिस 1952 के चुनाव में देखा जा रहा था वही 2014 तक देखा जा रहा था। मुख्य रूप से जनता में बीजेपी का पब्लिक एक्सेप्टेंस राम जन्मभूमि और उसके बाद के डेवलपमेंट से हुआ। रेफरेंस पॉइंट में पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली आ गया, वहां के माइनॉरिटीज का स्टेटस और हिंदुस्तान का कम्युनलाइजेशन का प्रोसेस व्यापक होता गया। कुछ वर्ष पहले सोनिया गांधी ने रिग्रेटफुली कहा था, कांग्रेस को प्रो माइनॉरिटी पार्टी माना जाता है। ये बीजेपी की राजनीति का सफलता का संकेत है कि जिस प्रैक्टिस को या जिस प्रैक्टिस पर एक समय कंसेंसस था, हर पॉलिटिकल पार्टी गर्व महसूस करती थी कि हम माइनॉरिटीज का ध्यान देते हैं, दैट हैड बिकम अ हैंडीकैप इन इंडियन पॉलिटिक्स। बीजेपी को लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन से बहुत फायदा हुआ। जनवरी 2018 में देश भर में बीजेपी के 1408 स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स थे। इन एमएलएज या फिर एमएलसीज में से मात्र 4 मुस्लिम थे। मुस्लिम्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, हिंदुस्तान में किसी भी सेक्टर को उठा के देखिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस यूनिट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज और प्रोफेशनल सेक्टर्स, यहां तक कि हमारे मीडिया सेक्टर में भी आप देखिए, वही सेम कहानी है। मुस्लिम्स उस मात्रा में नहीं मिलेंगे जिस मात्रा में देश में पाए जाते हैं। मार्च 2005 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक हाई लेवल कमिटी अपॉइंट की थी टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने इस कमिटी की अध्यक्षता की थी और उनकी रिपोर्ट नवंबर 2006 में सबमिट की गई थी। मुख्य फाइंडिंग्स चौंकाने वाले थे, मुसलमानों में लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से भी नीचे था। सच्चर कमिटी की रिपोर्ट ने एक मिसकंसेप्शन और हिंदुत्व फोर्सेस का एक प्रिंसिपल कैंपेन पॉइंट को नेगेट किया। सच्चर कमिटी के रिपोर्ट में लिखा गया था कि ओनली 3% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रेन
were among the ones who went to madrasas. Private or government sectors may worker population, according to the Sachar Committee report, the ratio of Muslims was found to be significantly lower. Commission ke report mein observe kiya gaya tha ki the most striking feature is the relatively high share of Muslim workers engaged in self-employment activities. Self-employed ya small businesses mein rehne ke bawajood, access of Muslims to bank credit बहुत कम और दूसरों के तुलना में बहुत नीचे है। इसके पीछे लोन डिस्पेंसिंग ऑफिसर्स का मुस्लिम्स के प्रति प्रेजुडिस विच इज प्रोपगेटेड बाय द पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ द बीजेपी एंड इट्स एफिलिएट्स एंड एलाइज। मुसलमानों में लैंडलेसनेस भी ज्यादा पाया गया सच्चर कमिटी द्वारा। सिर्फ दलित उनके नीचे थे इन टर्म्स ऑफ लैंड होल्डिंग। बिहार के चुनाव में AIMIM के सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस पर बहुत टिप्पणियां हुई हैं। कहा गया है ओएसी प्लेड द बीजेपी गेम बाय कटिंग इनटू द वोट्स दैट ट्रेडिशनली वेंट टू द आरजेडी। लेकिन ये उतना ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस है जितना बीजेपी ने अपना नॉर्मल टैक्टिक्स बनाया है टू विप अप कम्युनल पैशंस। इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 के नतीजों के बाद मुसलमानों में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत डीपन और अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंच गया है। CAA और NRC के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसमें मेनस्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टीज वर आइदर कॉन्स्पिक्यूअस बाय देयर एब्सेंस और रिमेन कंप्लीटली साइलेंट। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर कंफ्यूजन कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज में अभी भी दिखाई दे रही है। ऐसे हालात में AIM जैसी पार्टी जो अपने व्यू पॉइंट को इन मुद्दों पर जो माइनॉरिटीज को इफेक्ट करते हैं उस पर अपने विचारों को व्यक्त करने में झिझकते नहीं हैं, मुस्लिम वोटर्स के सामने वे वायबल और क्रेडिबल अल्टरनेटिव के तौर पर उभर गए हैं। इससे शायद बीजेपी को रिवर्स पोलराइजेशन में फायदा होगा, लेकिन राजनीति दबे स्वरों में नहीं की जा सकती है। डिक्लाइनिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक राजनीति और तमाम सेक्टर्स में एडिक्वेट मुस्लिम प्रेजेंस नहीं दिखेगा तब तक उनके एलियनेशन के प्रोसेस को नहीं रोका जा सकेगा। डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबलाइज होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। इतने बड़े माइनॉरिटी सेक्शन अगर कॉन्स्टेंटली मार्जिनलाइज्ड फील करती रहेगी तब देश में सोशल हार्मनी कहां से बनेगी। 21वीं शताब्दी भारत का तभी होगा जब इकोनॉमी बूम करेगी। हर नागरिक के बेटरमेंट से ही देश की उन्नति होगी। हमारा आज का ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसा मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्रोग्राम को और न्यूज क्लिक के तमाम प्रोग्राम्स को लाइक करिए सोशल मीडिया पर और बिल्कुल अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। नमस्कार। You